नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने किचन में बची हुई रोटियों को उपयोग में कैसे लाया जा सकता है ये बता रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को चीज बहुत पसंद होता है, तो मैंने इन रोटियों में चीज का उपयोग करके इन्हें चीज रोटी का रूप दिया है। और मेरे बच्चों को ही नहीं बल्कि घर में सभी को ये चीज रोटी बहुत पसंद है। तो आइए हम अपनी पसंद आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बताना कि चीज रोटी में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे पास कुछ ठंडी रोटियां पड़ी हुई है, बची हुई, वो रोटियों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा खीरा, जीरा, थोड़ा सा थोड़ी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। ये प्रोसेस चीज है, अमूल प्रोसेस चीज लिया है मैंने और इसे हमने ग्रेट कर लिया है और साथ में बटर। अब हमने जो चीज ग्रेट किया है हम उसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद एक एक करके हम सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देंगे। टमाटर, खीरा, प्याज, थोड़ी लाल मिर्च, जीरा। आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उसका बहुत एक अच्छा स्वाद आता है जीरा। और हाँ दोस्तों, एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑलरेडी चीज में नमक होता है तो हम नमक थोड़ा कम ही डालें ताकि वो ज्यादा मात्रा में ना हो जाए। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम इन रोटियों में इस मिक्सचर को कैसे यूज किया जाए। तो मैं बता रही हूं, पहले हमने ये रोटी ले ली, इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे। पहले हम रोटी को फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इन्हें बीच में से कट कर लेंगे और फिर दोबारा से इन्हें बीच में से कट कर लेंगे। ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए, इस तरह से मैंने रोटियों को ट्रायंगल शेप में कर लिया है। अब हमारी ये ट्रायंगल शेप की सारी रोटियां रेडी है, तो चलिए हम इन्हें फिल कर लेते हैं चीज से। इस तरह से हम हर ट्रायंगल वाली रोटी में थोड़ा सा चीज भरेंगे और दूसरी रोटी से उसे ढक देंगे। अब आप देख रहे हैं हमने अपनी रोटियों में चीज भर लिया है और अब हमें इन्हें सेकना है। तो आइए सबसे पहले हम उठाते हैं अपना चीज रोटी का ट्रायंगल। इस तरह से इन पे आप हल्का हल्का सा बटर लगा दीजिए और इन्हें इस तरह से एक एक करके तवे पे हम डालते जाएंगे और इनको धीमी धीमी आंच पे सेकते रहेंगे। ये हमारी चीज रोटियां सिक रही है, अब हम इन्हें पलटेंगे सुनहरा होने तक ताकि थोड़ी ये ब्राउन हो जाए और क्रिस्पीनेस आ जाए। ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से नरम होती है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से ये सुनहरी हो रही है। ये अपने ऊपर है कि हम इसे कितना क्रिस्पी बनाए। धीमी धीमी आंच पे हम इसे इसी तरह से सेकते रहें और ये बहुत अच्छी लगती है। कितनी अच्छी और सुनहरी हमारी चीज रोटियां सिकी है, बहुत बढ़िया सिक रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से चीज की, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो रेडी है हमारी बची हुई रोटियों का बेस्ट यूज, ये चीज रोटियां। दिख रही है ना कितनी यमी। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट देना ना भूलें।